नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवाजी यूनियन के बैनर तले आज यूनियन के अध्यक्ष अशोक रजक के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। यूनियन के अध्यक्ष अशोक रजक ने यह भी कहा कि अभी ऑटो चालक यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे और शहर की जनता, मीडिया एवं पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। बैठक के उपरांत ऑटो चालकों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों ऑटो चालकों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालते हुए रेलवे स्टेशन पर जुलूस का समापन किया। आज ऑटो यूनियन के ऑटो चालकों की मांग है कि गुना ही नहीं, गुना से अदर शहरों में भी ऑटो में 8 बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन आए दिन जब देखो जब कभी ना कभी गुना शहर में स्कूल चालू हुए और प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों पर डंडा चालू हो जाता है कि 5 बच्चे बैठा लो। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 5 बच्चे में क्या ये लोग अपना पेट पाल लेंगे, और क्या वो पालकों के पास इतना पैसा है कि वो इनको 1500 रुपये पर ऑटो बच्चे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम पालकों का भी ध्यान रखते हुए और प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे प्रति ऑटो 8 बच्चे हों, आगे कोई ऑटो में बच्चा नहीं बैठा लेगा, जो पीछे बच्चे बैठेंगे हम उन्हीं बच्चों को बैठा लेंगे। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।